राधे राधे एवरीवन। तो मैं आ चुकी हूँ वृंदावन और मैं जा रही हूँ यमुना नदी पे यमुना जी की पूजा करने के लिए। और जैसा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी अभी और मेरे घर वालों को बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है, बारिश हुई है, फिसलन है, तो मेरे घर वालों को डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो बहुत संभाल संभाल करके वो वीडियो बना रहे हैं और फाइनली मैं यमुना किनारे आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो अब मैं पूजा करने के लिए बैठ ही रही थी कि नाव वाले ने बोला कि यहाँ से उनको नाव हटाना है तो फिर यहाँ पे पूजा नहीं कर सकती मैं। तो फिर मैं वहाँ से तो उठ गई, फिर मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इतने में मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं नाव पे चढ़ करके ही पूजा कर लूँ। तो फाइनली एक नाव दिखा जिसमें मैं चढ़ करके अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आइए अब हम सब मिलकर के यमुना नदी की पूजा करते हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे इस तरीके से जाना क्योंकि बहुत दर्द था मेरे बैकबोन में, क्योंकि मेरे बैकबोन में क्रैक्स आए हुए हैं। तो बहुत मुश्किल हो रही थी, फिर भी पूजा तो करनी ही थी क्योंकि मेरा बहुत मन था। 2 महीने से मैं पागल हो रही थी वृंदावन जाने के लिए, पर मेरे एक्सीडेंट की वजह से मेरे हस्बैंड मुझे लेकर के जा नहीं रहे थे। फाइनली वो लेकर के आए। तो अब पूजा करते हैं हम सब। तो मैंने दिया जला लिया है और मैंने पहले ही दिया जला लिया। अब मतलब इतनी एक्साइटमेंट में थी मैं कि इतनी एक्साइटेड थी कि क्या करूँ कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं वृंदावन जा पाई थी। तो पहले तो मैंने दिया जला लिया, फिर मैंने मछली के दानों के साथ दिया रख दिया, फिर मैं मछली के दाने साइड से निकाल रही थी और फिर वो मैंने कुछ मछली के दाने बचा लिए बाद में मछली को खिलाने के लिए। फिर मैंने फूल यमुना जी में अर्पित किए और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन को बहुत शांति मिल रही थी। फाइनली मैं वृंदावन आ गई थी, मैं यमुना नदी पे पूजा करी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आ गई हूँ क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कब जाऊँगी। फाइनली मैं आ गई और मैं पूजा कर रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इस चक्कर में क्या बाद में करना है क्या पहले करना है, कंफ्यूज थी। फर्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी क्योंकि मेरी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है, एक शादी के जस्ट बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने पहली बार अपने हस्बैंड के साथ दिया प्रज्वलित किया और यमुना नदी में प्रवाहित किया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा था। तो फाइनली मैंने पूजा कर ली यमुना नदी की और जितनी भी गलती सलती हुई उसकी माफ़ी मांगी मैंने। और फिर यमुना नदी में पानी के छींटे, क्योंकि यमुना नदी में हम नहा तो नहीं सकते थे क्योंकि वैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं था नहाने का। तो पानी के छींटे ही ले लिए अपने ऊपर। उसके बाद मैंने मछली के दाने फिर से मछली को खिलाए, प्रणाम किया और फाइनली मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं फर्स्ट टाइम जा कर के वहाँ पर पूजा कर पाई। और आगे का ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे मैं नंदगांव गई हर जगह का।